नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत है बड़ी पुरानी, लेकिन हर दौर में एक नया इतिहास रचती है। नोटों को लेकर जो सुर्खियां आजकल चर्चे में हैं, ये केस उन सुर्खियों से अलग है। यहाँ मुद्दा नोटों के बदलाव का नहीं, नोटों से बदलती नीयत का है। पैसा चाहे लालची की तिजोरी में हो या जरूरतमंद के सपनों में, जमाखोर के गद्दों में हो या फिर ईमानदार के रुआब में, पैसे का रंग चेहरे की रंगत बयां कर देता है। पैसे की तासीर ही ऐसी है कि अच्छे अच्छों के ईमान डोल जाते हैं, तो फिर गुल्लक में चिल्लर जोड़ने वाले हाथों में अगर नोटों के बंडल लग जाएं तो। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। राजकुमार जी, राजकुमार जी, सर सर आइए सर, मैंने ही फोन किया था आपको। ये देखिए, ये राजकुमार जी का घर। सर मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजा खटखटाया, डोरबेल बजाई लेकिन दरवाजा खुले ही। लेकिन आप राजकुमार जी से मिलने क्यों आए थे? सर हम लोग रोज मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। एक्चुअली मैं सर बाजू वाली विंग में ही रहता हूँ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि राजकुमार जी कहीं बाहर गए होंगे। नहीं नहीं सर, पिछले 10 साल से लगातार हम लोग मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं और राजकुमार जी ने आज तक एक भी मॉर्निंग वॉक मिस नहीं की। भगवान ना करे कुछ हो ना गया हो। खोलते सर, आसपास से किसी चाबी वाले को बुलाओ। लगता है जहर खाया है। खाया है या किसी ने खिलाया है? सारा घर छान मारो, हो सकता है ये सुसाइड नहीं मर्डर केस हो। सर इनका एक लड़का भी यहां रहता था, सुबह से वो भी नहीं दिखा। क्या नाम है उसका? मनीष। ये? हाँ सर। आपको क्या लगता है इन्होंने आत्महत्या क्यों की होगी? मुझे नहीं लगता सर, राजकुमार जी या उनकी पत्नी आत्महत्या कर सकते हैं। फिर इन्हें जहर किसने दिया होगा? मुझे क्या पता सर, पर इनका लड़का बहुत दिनों से चिड़चिड़ा रहने लगा था। क्यों? सर वो 3-4 साल से उसको स्किन डिजीज हो गई थी, उसके चेहरे पे सफेद दाग आ गए थे जो जा ही नहीं रहे थे। मनीष का नंबर तो मैंने सेव नहीं किया था, उसके पिताजी का नंबर है मेरे पास। ये ले, खा ले। माँ बटर दो ना। हाँ एक मिनट। मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने किसी की चवन्नी नहीं देनी जो मैं किसी से डरूंगा, समझा? दामले को बोल दे 2% कायदे का कमीशन है, इससे एक पैसा कम नहीं लूंगा। बिजनेस करना है करे, वरना जाए भाड़ में। रुक मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ। हाँ और खिलाओ, और खिलाओ, मक्खन खिला खिला कर इसको अपने जैसा बना दो। अब बच्चे के खाने पे तो मत टोकिए। टोकता तो मैं तेरे खाने को भी हूँ, तू बड़ा सूख के कांटा हो गई। तुम्हारे जींस में प्रॉब्लम है, जींस में।
साला जिंदगी डामाडोल, माँ गोल बेटा ढोल। ये तूने बैग आगे क्यों पकड़ रखा है? ओ पापा, पापा ये अपनी फैट छुपा रहा है। छुपा मत, घटा, एक्सरसाइज कर, वरना जवान होने तक ना खुद को ढो पाएगा ना अपने बाप के जनाजे को। हेलो, मनीष तेंदुलकर जी। पुलिस इंस्पेक्टर सेवक मोहित है। काशी मेरा पुलिस स्टेशन देखा है ना, वहाँ आ जाओ। कितनी देर में पहुँचोगे? पर सर मुझे पता है तुम मुंबई में ही हो, कहीं से भी आओगे तो 2 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लव करिए सर। बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने मनीष को कल देर रात बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन उसने अपना फोन चालू रखा है। मिलने बुलाया है, देखते हैं वो क्या बोलता है। ए लाइन चलो। बोल मोटे, कितने नंबर की चड्डी पहनता है? तेरे बाप की नंबर की साले, उससे पूछ क्या? बाप पे कैसे गया बे? अक्षय पैंट उतार इसकी। अबे ए ए ए छोड़ दो। क्या लफड़ा करने आते हो, पढ़ाई करने आते हो? लफड़ा किया ना तो सीधा प्रिंसिपल के पास जाऊंगा। चलो क्लास में। ए हंसो मत, चलो। अंकल आप अक्षय और शुभम को टपका सकते हो क्या? क्या 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 बोला? टपका नहीं सकते तो सालों की हड्डियां तोड़ दो। बेटा मेरा काम है ना सीटी बजाना, अगर मैंने किसी स्टूडेंट को बजाया ना तो प्रिंसिपल मुझे बजा देगा। जा अपनी क्लास में। 2000 है, मेरा काम कर दो, 2000 और दूंगा। सर मनीष अभी तक घर नहीं लौटा और उसे घर पे जो खाना मिला है उस पर रेड पॉइजन है, और अब तक वो थाने भी नहीं आया और अब उसका मोबाइल भी बंद है। एक काम करो, उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन चेक करो। ओके सर। तुम्हारा हाथ मत लगाना विमान को, समझे ना? ओके सर, मनीष के फोन की लास्ट लोकेशन गोराई की थी। मनीष के पुलिस स्टेशन ना पहुंचने पर मनीष शक के दायरे में आ गया। पुलिस मनीष के फोन की लास्ट लोकेशन से उस तक पहुंचने की लीड तलाशने लगी और कुछ देर की कोशिश के बाद मनीष की तलाश खत्म हो गई। क्या अपने माता पिता के बाद अब मनीष ने भी आत्महत्या कर ली थी, या फिर जैसा दिखाई दे रहा था सच उससे बिल्कुल अलग था? और अगर ये आत्महत्या थी तो ये क्यों और किन हालात में हुई थी, और अगर ये हत्या थी तो इस अपराध की वजह क्या थी? इन घटनाओं के बुनियादी सवाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन का आधार थे और बहुत जल्द इन घटनाओं का तार विवान से भी जुड़ने वाला था। एक छोटे से बच्चे के पास इतने पैसे होने का राज आखिर था क्या? थैंक यू अंकल। थैंक यू ठीक है, ये पैसा लेके कहाँ से आता है? आप आम खाओ ना अंकल, गुटलिया क्यों गिनते हो? सर मनीष और उसके पेरेंट्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तीनों मौत की वजह जहर। मनीष के पिता के खाने में जहर था और माँ के पानी में जहर था, और मनीष ने खुद जहर खाया है। बोलते हैं मनीष के सुसाइड की पॉसिबिलिटी ज्यादा साफ है, लेकिन उसके पेरेंट्स के सुसाइड की पॉसिबिलिटी में अभी क्लैरिटी जरा कम है। हो सकता है किसी ने पर्पसली उनके खाने में जहर मिलाया हो। विवान, दरवाजा खोल। विवान, 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 विवान। दरवाजा क्यों लॉक किया?
वो पापा मैं सो गया था पापा। सच बता क्या कर रहा था? मैं सच बोल रहा हूँ पापा, मैं सो रहा गया था। बैग दिखा दे। बैग क्यों पकड़ रहा है? छुपा रहा है ना, स्कूल की डायरी छुपा रहा है? डायरी दिखा। दिखा दो। ये क्या? मैथ्स का होमवर्क क्यों नहीं किया? वो पापा मैं भूल गया था पापा। खाना खाना तो नहीं भूलता है? पिछले सेमेस्टर में तू मैथ्स में ही फेल हुआ था ना, इस बार भी होगा। सुन, बच्चे की जान लोगे क्या आप? सर, इनके घर की चाबी किसी और के पास थी ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मनीष के मम्मी पापा तो ज्यादातर घर पे ही रहते थे। सर, टेनुका साहब के घर पे तो बहुत कम ही विजिटर्स आते थे, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले एक लड़की उनसे मिलने के लिए आई थी। ओ मैडम, साइन कीजिए यहाँ पर। कौन है वो लड़की, पहचानते हो? शायद वो मनीष सर की दोस्त है, उसे मनीष सर के साथ यहाँ आते जाते मैंने कई बार देखा हूँ। हमने सुना है कि मनीष अपने जेनेटिक डिसीज के लिए अपने फादर को बहुत कोसता था। आपको क्या लगता है, मनीष अपने माँ बाप को जहर दे के मार सकता है? सर ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ दिन पहले मनीष के फादर उसे बहुत डांट रहे। कल तक तू बोलता था ना, मैं बोलता हूँ कि मुझे तुझ जैसी औलाद पैदा ही नहीं करनी चाहिए थी। अभी यहाँ से तू निकल यहाँ से अभी। कब की बात है? पक्का तो नहीं बता सकता सर, लेकिन शायद मनीष के माता पिता की मौत के एक दो दिन पहले की बात है। ओए राहुल। हाँ? सुना, तू मेरा होमवर्क करेगा? अबे मैं क्यों करूं? ये ले 500 रुपए, बोल करता है या बोल दूं रवि को? ठीक है यार, कर दूंगा। सर, मनीष और उसके फादर के बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं थे। मनीष के बाप के नाम की एक 90,000 की FD थी जो करीब एक हफ्ता पहले तुड़वाई गई थी, और माँ के नाम की एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसे क्लेम करने के लिए जिंदा कोई नहीं। कोई ऐसा रिश्तेदार है जो उनके फ्लैट पे क्लेम करना चाहता हो? सर ब्लड रिलेशन का तो कोई नहीं है, लेकिन मुंबई से बाहर कुछ रिश्तेदार रहते जिनके साथ मेरी बातचीत हुई थी। एक आध का कहना है कि मनीष के माँ बाप इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे कि डाक की वजह से मनीष की शादी नहीं हो रही थी। लेकिन उस पड़ोसी ने तो बताया कि मनीष के बाप ने उसे डांट के भगा दिया था, और ये रिश्तेदार तो कुछ और ही बोल रहे हैं। लेकिन सर एक बात तो पक्की है जो हमें वॉचमैन ने बताई थी, कि मनीष की जिंदगी में एक लड़की थी रीमा। रीमा? यस सर, ये रीमा वही लड़की है जिसे वॉचमैन ने मनीष के घर जाते हुए देखा था। मनीष के फोन से अक्सर रीमा को कॉल किया जाता था। मैंने पूछताछ की तो पता चला कि रीमा मुंबई में अकेली रहती है, भौमिक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में PRO का काम करती है। रहती कहाँ है ये रीमा? गोराई। चलो चीटिंग करता है यार, हट बोल दे, जाने दे, बोल दे। क्या चीटिंग कर रहा है, अंपायर भी चिढ़ता है, जाने दे। चल ये ले यार, तेरे पास तो बड़े पैसे, टीचर को रिश्वत दे दे पास कर देगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये असली है कि नकली है? तुझे नकली दूंगा। चल जी। रीमा त्रिवेदी? हाँ मैं ही हूँ रीमा। आपके दोस्त मनीष और उसके परिवार के बारे में कुछ बात करनी। कैसी बात सर? आपको पता नहीं, मनीष और उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। What? मनीष से आपकी फोन पे बात होती थी, उसके घर भी आना जाना था। क्या आपने वाकई ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपका दोस्त किस हाल में है? सर हम नॉर्मल फ्रेंड्स थे, और मनीष के पेरेंट्स के साथ भी मेरा फॉर्मल रिलेशन था। लेकिन आपकी और मनीष की दोस्ती तो काफी पुरानी थी ना, 5 साल आप लोग कॉलेज में साथ थे, उसके बाद भी आप लोग टच में थे। सर हम कॉलेज में साथ जरूर थे, लेकिन अभी 3 महीने पहले ही वापस टच में आए। हाय। पहचाना नहीं? मनीष, गार्गी कॉलेज। ओ मनीष, आई एम सो सॉरी, काफी बदल गए हो। बैठो। थैंक यू। सो
वैसे मेरे कुछ कजिन्स आने वाले हैं, पर जब तक वो नहीं आते यू कैन सिट। एक्चुअली मुझे भी कुछ काम है, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। ओके मुझे लगा मनीष बुरा मान गया होगा, इसलिए मैंने हमारे कॉमन फ्रेंड से उसका कांटेक्ट लिया और अगले दिन ही उसे कांटेक्ट किया। दोस्त तो वो पुराना था पर दोस्ती इतनी गहरी भी नहीं थी। फोन में बात करने से लेकर साथ साथ घूमने तक ना ही मैंने उसमें कोई खामी देखी और ना ही कुछ खास। जितना मैं मनीष को जानती हूँ उससे लगता नहीं कि वो इंसान आत्महत्या कर सकता है। आत्महत्या नहीं कर सकता तो हत्या कर सकता है, वो भी अपने माँ बाप की। आई डोंट नो सर, और मैं उसके बारे में उतना भी गेस नहीं कर पाई हूँ जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रीमा की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके और मनीष के बीच में कुछ तो ऐसा था जो वो हमसे छुपा रही है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मनीष रीमा से प्यार करता था, लेकिन मनीष के स्किन डिजीज की वजह से रीमा उसको इग्नोर करती थी, तो इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन में आके अपने फादर को कोसने लगा। कोलते लेकिन सवाल तो ये उठता है कि बेटे ने माँ बाप की हत्या करके आत्महत्या की या हत्या को आत्महत्या समझ के आत्महत्या की? अगर ये दोनों संभावनाएं हैं तो रीमा के उस बयान का क्या मतलब है? जितना मैं मनीष को जानती हूँ उससे लगता नहीं कि वो इंसान आत्महत्या कर सकता है। रीमा और मनीष के रिश्ते को अच्छे से खंगालो, हो सकता है उस बयान के पीछे का कोई राज निकल गया। सर मनीष के फोन रिकॉर्ड्स में से एक नंबर ऐसा भी है जिससे भी कोई राज निकल सकता है। करीब 10 दिन पहले तक उस नंबर पे 5 से 6 बार कॉल्स हुए लेकिन उसके बाद से वो नंबर बंद पड़ा है। पता करो किसका नंबर है। बस भैया अब नहीं, खा लेना यार। नहीं यार। दोस्ती के नाम को अरे खा ले और भूल मत, 500 रुपए बाकी है भैया के पास मेरे, खा ले खा ले। ना बाबा और खाए तो पेट से वड़े निकलेंगे। विवान तेरा बैग कहाँ है? मुझे तेरा बैग चाहिए, मैं ज्योमेट्री बॉक्स ले रही हूँ। हाँ रुको रुको, तूने अपना बैग इतना नीचे क्यों रखा है? आ रहा हूँ, रुक 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 जा, मैं ज्योमेट्री बॉक्स ले रही हूँ। जिस तरह विवान उन पैसों को अपने परिवार की नजरों से बचा रहा था उससे ये साफ था कि ये पैसे किसी अपराध से जुड़े थे, पर वो अपराध क्या था, उसमें विवान की क्या भागीदारी थी और ये पैसे विवान तक कैसे और किसके जरिए पहुंचे थे? कहते हैं कि जब कोई अच्छा इत्तेफाक बुरे हादसे की शक्ल ले ले तो गुड लक को भी बैड लक समझ कर कोसा जाता है। मनीष और विवान भी ऐसे ही एक इत्तेफाक का शिकार थे, लेकिन क्या था ये इत्तेफाक? क्या ये इत्तेफाक उस शख्स से भी जुड़ा था जिसके नंबर से मनीष के फोन पर कुछ गिने चुने कॉल्स भी आए थे? सुनो जरा, सचिन पंडारे का कॉलिंग नंबर कितना है? 169। हाँ सर, और वो जो ग्रे लाइनिंग शर्ट पहने वाला है ना? हाँ। वही है। ओके। अरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ, दिखाओ क्या बोल, दिखाओ। हाँ साहब, वो मेरा ही नंबर है, बिल नहीं भरा था ना तो कंपनी ने कनेक्शन काट दिया। मनीष तेंदुलकर से कैसी बोल चाल थी तेरी? मनीष तेंदुलकर कौन है साहब? ये तेरे नंबर से काफी कॉल्स गए हैं इसको, ये बीच में लाश मिली इसकी। अरे हाँ साहब याद आया, हाँ 3-4 बार बात हुआ था इससे, लेकिन ऐसा कुछ खास उठना बैठना नहीं है, तो नाम कैसे याद रहेगा? ये तुझसे मिला था? हाँ साहब एकदा बैठला होता। क्यों मिला था? साहब उसको ना जाके खोली खरीदनी थी साहब। खोली खरीदनी? हाँ। तो तुझसे क्यों मिला? वो क्या है ना साहब, वो अपने विलास भाव है ना स्टेट एजेंट, उनके पास में जॉब करता हूँ। तो कौन सी खोली खरीदवाई तूने उसको? कसली खोली साहब, फालतू में टाइम पास किया, कुछ नहीं खरीदा बिरीदा उसने। साहब मैं किसी मनीष तेंदुलकर को नहीं जानता, अब मुझे क्या पता कि पांडारे किसको कहाँ मिलता है कब मिलता है। लेकिन पांडारे तो आपके लिए काम करता है ना? वो सब तो ठीक है साहब, लेकिन पांडारे बड़ा 420 किस्म का आदमी है, मेरे भी क्लाइंट को डायरेक्ट कर लेता है। ये महीना उसका लास्ट है, मैंने उसको अपने यहाँ से निकाल दिया है। कब से काम कर रहा था पंडारे? सर बस यही 3-4 महीना हुआ, और इसके पहले जिसके यहाँ काम करता था उसने भी लात मार करके निकाल दिया। अभी सुना है किसी बिल्डर के यहाँ भी घपला किया हुआ है। सर ये घपला मनीष के फादर के 90,000 की FD से तो नहीं जुड़ा है? हो सकता है मनीष ने उस पैसे से पंडारे को एडवांस किया हो। हाँ लेकिन कुलते एडवांस भी तो वो आदमी देता है ना जो बाकी की रकम चुकाने का बूता रखता हो। मनीष और उसकी फैमिली तो खस्ता हाल थी,
मुझे नहीं लगता कि मनीष भंडारे से खोली खरीदने के लिए मिला होगा, चक्कर कुछ और ही है। इस भंडारे की पूरी हिस्ट्री निकालो सर। विलास ने बोला कि भंडारे ने किसी बिल्डर के यहाँ कोई घपला किया और रीमा भी एक बिल्डर के यहाँ काम करती है। पता करो इस भंडारे और रीमा के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है। अब रेट बदल गया है, 2% का नहीं 3% लगेगा। ठीक है, नहीं मैं देखता हूँ। हाँ चल ठीक है, चलेगा। मैं कल एक बार तेरे को फोन करूंगा, ठीक है? क्या है? छोटा बच्चा है, थक गया होगा, अब माफ भी कर दीजिए। चल खड़ा। और सुन, आगे से कोई शरारत करी तो तेरी माँ भी नहीं बचा पाएगी, समझा? चल कमरे में जा। हाँ दामले, अरे कल बोला था ना यार, समय ले लेना, इतनी जल्दी क्या तेरे को भे? बाप और मेरी बहन को टपका दो। अच्छा, किसी को सुन लिया तो मेरी वाट लग जाएगी। सुन, टपकाऊंगा नहीं, शुभम और अक्षय की तरह दोनों के हाथ पैर तोड़ दूंगा। और इतने पैसों से कुछ नहीं होने वाला, 25,000 और चाहिए। ठीक है, दे दूंगा। दे दूंगा नहीं, पूरे 25,000 रुपए एडवांस देगा ना तभी काम होएगा, समझा? चल निकल। सर, रीमा और भंडारे का कोई कनेक्शन तो सामने नहीं आया, लेकिन ये पता चला है कि रीमा ने अपने अकाउंट से 2,50,000 रुपए विथड्रॉ करके मनीष को दिया था। सीसीटीवी फुटेज। लगता है तुझे पापा से पनिशमेंट खिलानी पड़ेगी। सच बोल, तूने मेरे बैग से चोरी की। विवान, मुझे पता नहीं कौन सी चोरी है, मुझे जाने दे। पापा, इसने मेरे बैग से चोरी की है। पापा, मुझे पता नहीं कौन सी चोरी, मैंने नहीं की चोरी। क्या चोरी की है? वो मेरा ज्योमेट्री बॉक्स। मैं समझाती हूँ। कुछ सिखाओ इन्हें। तू जा, शूज पहन, नया ज्योमेट्री बॉक्स आ जाएगा। हाँ रीमा, अगर वो पैसे तुमने मनीष को उधार नहीं दिए तो फिर दिए क्यों? रीमा, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर कोई क्राइम किया है तो कबूल करने में तुम्हारी भलाई है। सर, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि क्राइम तो मेरे साथ हुआ है। मतलब कैसा क्राइम? हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? थैंक यू रीमा। यार मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प? मुझे 2,00,000 रुपए की जरूरत है। 2,00,000? I'm so sorry यार, मेरे पास सिर्फ 20,000 या 25,000 कैश होगा। नो इशू, मैंने 2-3 लोगों को और भी बोला हुआ है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। तुम्हारी कॉफी में शक्कर थोड़ी कम है। I'm so sorry, मैं अभी लेके आती हूँ। पता नहीं कब उसने मेरी कॉफी में बेहोशी की दवा मिला दी, और जब मुझे होश आया तब मुझे उसकी इंटेंशंस का पता लगा। हेलो,
उसने मेरे ही फोन से मेरा वीडियो बना लिया था, फिर मुझे ब्लैकमेल किया, कहा कि अगर उसे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वो मेरा वीडियो अपलोड कर देगा। मुझे अपना सारा कैश, अकाउंट्स के सारे पैसे उसे देने पड़े। वो वीडियो कहाँ है? वो वीडियो तो मैंने डिलीट कर दिया। पहले मुझे लगा था कि मुझे उसके खिलाफ FIR करनी चाहिए, फिर मैं डर गई, लेकिन मैंने उसके मम्मी पापा को सब बता दिया, क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझे फिर से ब्लैकमेल करेगा। पता मेरे पैसे कहाँ हैं? पैसे? कैसे पैसे? अरे वही पैसे जो मेरे बैग में थे। अच्छा, पापा के सामने तो तूने ज्योमेट्री बॉक्स का इल्जाम डाला था ना? अरे पैसे पैसे क्या कर रहा है? सच बता मेरे पैसे कहाँ हैं? विवान मुझे नहीं पता। अच्छा, ऐसे नहीं मारेगी ना? पता वरना सर फोड़ दूंगा तेरा। विवान मुझे नहीं पता। नहीं पता? विवान। लेकिन मनीष की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो वो इन पैसों से दूर करना चाहता हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पैसों का कनेक्शन पंडारे के साथ है? हो सकता है कि पंडारे मनीष को किसी चीज के लिए ब्लैकमेल करता होगा और मनीष ने रीमा को ब्लैकमेल करके वो पैसे निकाले। सर, मैंने इस पंडारे के बारे में पता किया, पता चला कि ये सिर्फ रियल एस्टेट का एजेंट का ही काम नहीं करता बल्कि कहीं और धंधे में भी है, जैसे कि आयरन स्क्रैप खरीद के बेचना, ड्राई फ्रूट्स की दलाली करना, मलाड में इसकी एक चाय की टपरी भी है, एक आदमी चलाता है। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पंडारे ने मनीष को पैसे कमाने के लालच दिखाकर चूना लगाया हो और हमें खोली खरीदने के बारे में झूठ बोल रहा हूँ। पता करो ये पंडारे कहाँ आता जाता है और किस किस से मिलता है। पुलिस सचिन पंडारे और मनीष तेंदुलकर के उस कनेक्शन का पता लगाने में जुटी थी जिसका ताल्लुक उन पैसों से था जो मनीष ने रीमा को ब्लैकमेल करके हासिल किए थे। लेकिन मनीष के सामने ऐसी क्या परिस्थिति खड़ी हुई कि जिसने सभ्य से दिखने वाले लड़के को ऐसा अपराध करने के लिए उकसाया? भूल चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, उस भूल का भुगतान इंसान को करना ही पड़ता है और विवान से हो रही मासूम भूलों की नियति भी मनीष और उसके परिवार जितना बेरहम परिणाम सामने लाने वाली थी। आ जाने देश को घर। हाँ जी बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ क्या? हाँ जी मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। आखिरी बार कब देखा था आपने विवान को? स्कूल जाते वक्त आखिरी बार देखा था सर। जब नहीं लौटा तो हम उसे ढूंढने निकले, हमें क्या पता था। सर अब यह साफ हो गया कि पंडारे ने मनीष को क्यों और कैसे चुना लगाया है। भाई पुराने मानोगे तो एक बात बोलूं। बोलिए। कब से ये? 1.5-2 महीने से। सर पंडारे के साथ एक होम्योपैथिक डॉक्टर का काफी मिलना जुलना है। पंडारे उसके लिए पेशेंट लेके जाता था और बदले में वो डॉक्टर पंडारे को कमीशन देता था। नाम क्या है डॉक्टर का? प्रवीण सिंह। सर इस डॉक्टर के बारे में एक और बात पता चली, कई महीनों पहले एक पेशेंट इस डॉक्टर से मोटापा कम करने के लिए दवाई ले रहा था, लेकिन असर ना होने पे इस पेशेंट ने डॉक्टर पर फ्रॉड का केस कर दिया। हो सकता है इसी डॉक्टर ने पंडारे के जरिए मनीष को चूना लगाया। एक काम करो, इस डॉक्टर की सारी हिस्ट्री निकालो। ओके सर। हाँ सर ये बात सच है, विवान के मोटापे के कारण कुछ स्टूडेंट्स उसके साथ मस्ती मजाक किया करते थे। एक दो बार तो उसने मुझे कंप्लेंट भी की थी, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि इसके वजह से कोई स्टूडेंट उसे मार देगा। सर शुभम और अक्षय बहुत दादागिरी करते थे, एक बार तो उन लोगों ने विवान का पैंट भी खोल दिया था सर, यहीं पे खोला था सर। शुभम और अक्षय? नहीं सर, हमने विवान को कभी नहीं पीटा, बल्कि उसने हमें एक आदमी से पिटवा दिया। क्या? हाँ सर, हम स्कूल से घर जा रहे थे तभी एक आदमी हमारे सामने आके खड़ा हो गया। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है वो?
विवान का कोई रिश्तेदार, उसका भाई या फिर उसका कोई दोस्त? नो सर, कोई दोस्त तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आदमी था। लंबा चौड़ा आदमी? और हाँ सर, कुछ दिन पहले मैंने विवान को हमारे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हुए देखा कॉरिडोर में। मैंने कहा ना मेरा मन बदल गया, मुझे मेरे 2000 रुपए दो, मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। मुझे 2000 रुपए दो। सुनिए तो मेरी वाट लग जाएगी। सुन, डील तूने कैंसिल की है इसलिए मैं तुझे एक पैसा वापस दे दूंगा, उल्टा तू मुझे 25,000 का आधा पैसा वापस देगा, समझा? तेरा तेरी चटनी बना दूंगा। चल चल क्लास में। कविता, थैंक यू बेटा। साहब मीना काय केलं सर? अहो मी काय केलं नाही आहे। अहो साहब, साहब अपने विवान को नहीं मारा सर, विवान ने अपन को पैसा दिया था अक्षय और शुभम को पीटने के बाद। साहब आयशा पर साहब अपने विवान को नहीं मारा था। विवान तुमको 25,000 रुपए क्यों देगा? साहब उसकी बहन और उसके बाप को पीटने के वास्ते। साहब मेरे बाप और मेरी बहन को टपका दो। झूठ बोलता है, एक बच्चा तुमको अपने बहन और बाप को मारने के लिए पैसा देगा? सही बोल रहा हूँ सब, 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 उसके उसकी बहन और उसका बाप उसको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। साहब उसने सब उनको बोला था कि मैं उन दोनों को टपका दूं, लेकिन सब नहीं, सब अपन अपन सब उसे बाहर पर तोड़ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं मनीष के बाप से कभी नहीं मिला था, सिर्फ एक बार मनीष से मिला था सर। कब मिला था? यही कोई 20-22 दिन पहले, मेरी चाय की टपरी पे आया था। मैंने मनीष को डॉक्टर प्रवीण सिंह के बारे में बताया था और अगले दिन मैं खुद लेके गया क्लिनिक में। कब से है? लगभग 3 साल से। 3 साल से है तो ठीक होने में 3 महीने तो लगेंगे, दवा और परहेज बराबर करना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी फीस कितनी होगी? फीस नहीं, 3 महीने की दवा एक साथ दूंगा, 2.5 लाख लगेंगे। 2.5 लाख? 2.5 लाख तो बहुत ज्यादा है। शरीर से जरूरी कोई चीज नहीं होती। हाँ लेकिन 2.5 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है। हाँ बात तो सही है सर, मैंने इतने सारे पेशेंट आपके पास लाए, मेरे दोस्त के लिए कुछ तो करवा दो ना। देखो कितना हैंडसम दिख रहा है, अभी डाक चले जाएंगे तो सोचो और हैंडसम लगेगा। अच्छा ठीक है, 2.25 लाख, इससे एक पैसा कम है। हाँ लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उसके बाद ये दाग बिल्कुल चला जाएगा? मैंने 1000 पेशेंट्स ठीक किए, आप चाहो तो इनमें से किसी से भी बात करके देख लो। सर वो बोला कि सोचकर बताऊंगा, 2 दिन के बाद उसने मुझे फोन करके अपॉइंटमेंट भी लिया, पर वो आया नहीं सर। आया नहीं है, उसे चूना लगा दिया। नहीं सर, तेरी सारी हिस्ट्री है हमारे पास, ये पंडारे जैसे कई एजेंट्स हैं तेरे पास जो मजबूर पेशेंट्स को तेरे पास ले आते हैं और तूने उल्लू बनाता है। मनीष जैसे को कितने को चूना लगाया? मैंने उसे कोई चूना नहीं लगाया, सच कहता हूँ साहब, वो मेरे पास आया ही नहीं। ये बात सच है साहब, मैंने भी उसको उस दिन फोन किया था तो मुझे बोला कि बाइक से आ रहा था तो पैसों से भरा बंडल कहीं गिर गया उसका। गिर गया या रास्ते में कहीं लूट लिया? विश्वास तो साहब खरा बोलते है, वो ऐसे ही बोला कि बैग गिर गया। जब तक ये दोनों पूरा सच ना बताए इनको तोड़ते रहो। सर मैं आपसे कह रहा हूँ वो गार्ड झूठ बोल रहा है, आप ही सोचिए विवान के पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? विवान ने उस गार्ड को ही नहीं बल्कि उसके कुछ दोस्तों को भी 500-500 के नोट ऐसे ही दे दिए थे। व्हाट? और हमें ये भी पता चला है कि आपने विवान को टॉर्चर भी किया था। सर बाप हूँ उसका, कभी कभी डांट दिया करता था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उससे प्यार नहीं करता था। प्यार करते थे तो फिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से विवान ने उस सिक्योरिटी गार्ड से आपको मरवाने के लिए कहा था? मुझको मरवाने? क्या बात कर रहे हैं सर, विवान इतना छोटा बच्चा, वो ऐसी बातें सोच भी नहीं सकता था। आप सिर्फ उस गार्ड की बात पर यकीन कर रहे हैं? प्रफुल्ल, यकीन तो हम आपके बात पर भी नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ सर कि प्रफुल्ल विवान को डांट देते थे, कभी कभी पीट देते थे, पर वो इसकी जान नहीं ले सकते। हो सकता है कि ये पैसा विवान ने घर से चोरी किया हो। नहीं सर, अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे पता होता। विवान ने तुमसे कभी किसी पैसों के बारे में कुछ बात की थी? बताओ ना, घबराओ मत, बताओ बेटा। हाँ
हाँ सर, विवान अपनी बैग को हाथ लगाने नहीं देता था। मुझे लगा जरूर उसने कुछ छुपा के रखा है, इसलिए मैं रात को उसके बैग चेक करने गई थी। तो आपने वो पैसे विवान को दे दिए? नहीं सर, लेकिन एक बार उसने मुझसे मांगा भी था और सड़क पर झगड़ा तक किया। पता वरना सर फोड़ दूंगा तेरा। विवान, मुझे सच्ची नहीं पता। नहीं पता? विवान, विवान मुझे सच्ची नहीं पता। पता नहीं कहाँ गए मेरे पैसे। लेकिन मैंने उसे पैसे नहीं दिए क्योंकि मुझे लगा कि वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। तो आपने वो पैसे किसे दिए, पापा को या मम्मी को? नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं दिए क्योंकि मुझे लगा कि वो विवान पर चिल्लाएंगे। तब वो पैसे कहाँ है? इन नोटों की गड्डियों में एक गड्डी नए नोटों की भी है। पता लगवाओ कि ये नोट आखिर किस बैंक से किसको इशू किए गए थे। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये नोट आखिर है किसके। विवान की माँ, पापा और बहन, इन सब के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करो। इनके कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, विवान की जहाँ पे मौत हुई थी उस लोकेशन के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। सर, सर दोनों को बहुत तोड़ा लेकिन बोल रहे कि मनीष से वो पैसा गिर गया था। सर, मैंने नए नोटों के नंबर को ट्रेस किया तो पता चला वो नए नोट इंडियन बैंक के गोराई ब्रांच से निकाले गए हैं और अकाउंट होल्डर का नाम रीमा त्रिवेदी है। रीमा त्रिवेदी? रीमा के अकाउंट से विड्रॉ किए गए पैसे विवान के पास मिलने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मनीष और उसके माता पिता की मौत के कारणों की एक थ्योरी बनाई। मतलब हुआ ये कि मनीष ने रीमा को ब्लैकमेल करके उससे पैसा ले तो लिया लेकिन अपना स्किन डिजीज ठीक कराने का उसका सपना सपना ही रह गया। वो पैसा लेकर निकला तो था लेकिन वो पैसा उससे गिर गया और उस बच्चे विवान को मिल गया। मनीष के माँ बाप अपने बेटे की इस हरकत से न सिर्फ शर्मिंदा हुए बल्कि काफी गुस्सा भी। कल तक तू बोलता था ना, पर आज मैं बोलता है मुझे तुझ जैसी औलाद पैदा ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझसे गलती हो गई बाप, मुझे माफ कर दो। आई वैसे गलती हो गई आई। तूने गलती नहीं की, तूने हमारी परवरिश पे तमाचा मारा है। तेरे सिर्फ चेहरे पे दाग नहीं, तेरा चरित्र भी दागदार है। चल निकल, चल निकल। और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। जिस बेटे में उन्हें अपना भविष्य दिखाई दे रहा था उस बेटे ने न सिर्फ एक लड़की की इज्जत पे हाथ डाला था बल्कि उनके सम्मान को भी ठेस पहुंचाई थी। वो लोग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और आत्महत्या कर बैठे। मनीष और सचिन पंडारे की मुलाकात एक ऐसा इत्तेफाक था जिसने मनीष को उसकी स्किन डिजीज ठीक होने की ऐसी खोखली उम्मीद दी कि जिसके भ्रम जाल में फंसकर ना सिर्फ उसने अपनी दोस्ती का गला घोटा बल्कि अपने माता पिता की जिंदगी को भी नाउम्मीदी से भर दिया। हालांकि पुलिस डॉक्टर और सचिन पंडारे के फरेब का भांडाफोड़ करने में सफल रही लेकिन मनीष और उसके माता पिता की मौत को आत्महत्या ही माना गया। लेकिन विवान की हत्या की गई थी पर क्या विवान की हत्या की वजह वही पैसे थे जो रीमा के जरिए मनीष तक होते हुए इत्तफाकन विवान के हाथ लग गए थे? सर, मैंने विवान के फादर के फोन लोकेशन चेक की तो पता चला विवान की हत्या वाले दिन उसके फादर का फोन उसी एरिया में काफी देर तक एक्टिव था जहां विवान की लाश मिली। ये क्या बदतमीजी है सर, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं मैं उस एरिया में गया जरूर था पर मैं वहां विवान को ढूंढ रहा था। मैं तो उस गली में गया भी नहीं जहां उसकी लाश मिली है। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तुम्हारी गाड़ी उस गली में गई थी जहां आगे चल के विवान की लाश मिली थी। तुम्हारी गाड़ी 9:29 पे गली के अंदर जाती है और 9:50 पे बाहर आती है। गौर करने की बात यह है कि इस गली का आगे डेड एंड है। तो एक बात बताओ मुझे, 20 मिनट उस 50 मीटर की गली में तुम कर क्या रहे थे? मैं उधर से। सच बताओ वरना मेरे पास दूसरे तरीके भी है सच उगलवाने के। क्या कर रहा है? बोल। तुझे ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया हूँ। क्या कर रहा है? पापा, मैंने चोरी नहीं की। पापा, मुझे वो पैसे रास्ते से मिले थे पापा। कौन से पैसे? सर, विवान को लगा कि सृष्टि ने मुझे सब कुछ बता दिया है पर ऐसा था नहीं। मेरे पूछने पर उसने मुझे सब कुछ बता दिया, ये भी कि वो उस गार्ड से मुझे पिटवाना चाहता था। पापा।
में मैंने आपको मारने की सुपारी भी दी थी। सर मैं विवान को मारना नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं सर, गुस्से में हो गया, गुस्से में, और अपने क्राइम को एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी नहीं थी मुझ में। अब जेल में बैठ के अपने गुस्से को काबू करना। हालांकि विवान की हत्या का कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या विवान के पिता के इरादों में उसकी भलाई थी? विवान के मोटापे का मजाक सिर्फ बाहर वाले ही नहीं बल्कि विवान के पिता और बहन भी उड़ाते थे। मासूम जज्बात जब अपनों की अवहेलना का शिकार होते हैं तो उनके भटकने की संभावनाएं बढ़ जाती है जो उन्हें अपराध की राह पर ले जा सकती है। मनीष के माता पिता ने मनीष के ठीक होने की उम्मीदों को हमेशा जिंदा रखना चाहा, लेकिन मनीष की हताशा उस पर इतनी हावी हो चुकी थी कि वो अपने आप को अपराध के रास्ते पर जाने से रोक नहीं पाया। हालांकि इंसान को अपने हालात का बोझ खुद ही उठाना होता है, लेकिन ऐसी गलती करने से हमेशा बचे जो दूसरों की उम्मीदों को और हमारे जमीर को मारते। किसी को दुआ भले ही ना दे, लेकिन किसी की खामी को मजाक का ठहाका और घृणा की नजर भी ना दे। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।